नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री ही एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा के बारे में जिनका नाम सलमान खान के साथ अक्सर जुड़ता आया है। हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं डेजी शाह का। डेजी शाह ने भले ही कम फिल्मों में काम किया हो, मगर उनकी केमिस्ट्री सलमान खान के साथ देखी गई है। अगर अभी की बात की जाए तो डेजी शाह अभी OTT प्लेटफॉर्म पर बेहद ही जल्द अपनी नई सीरीज के साथ आप सभी को दिखाई देगी। तो वहीं डेजी शाह ने अपनी एक्टिंग करियर को लेकर और कैसे वो इस इंडस्ट्री में पहुंची हैं उसे लेकर तमाम बातों का जिक्र किया। आज उस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सलमान संग अपने रिश्ते को लेकर सलमान खान ने आखिरकार कौन सी बातें उन्हें कही थी जिसे लेकर डेजी शाह ने बिल्कुल जो है खुले अंदाज में बताया है कि आखिरकार सलमान और डेजी का जो रिश्ता रहा है और कहीं ना कहीं सलमान और जो डेजी हैं वो अक्सर ही सुर्खियों में भी बने रहे। अगर बात करें तो सलमान खान के साथ डेजी शाह ने काम किया है, मगर कहीं ना कहीं जो है अब उन्हें फिल्मों में एक साथ नहीं देखा जा रहा है, जिसे लेकर डेजी शाह ने सलमान खान पर कई बातों का जिक्र भी किया है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ पर कि सलमान खान जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही हसीनाओं को उन्होंने ब्रेक दिया है और कहीं ना कहीं सलमान खान जो है उनका जो नाम है वो कई हसीनाओं के साथ जुड़ता भी आया है। अगर बात की जाए जरीन की तो जरीन खान को ब्रेक सलमान खान ने ही दिया था, जो बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह हूबहू ही दिखाई पड़ती हैं। और अगर बात की जाए कैटरीना कैफ की तो कैटरीना को भी सलमान इस इंडस्ट्री में लेकर आए थे, डेजी शाह को भी लेकर आए थे। तो वही आखिरकार क्या कुछ कहना है डेजी शाह का, आप देखिए हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान यूं तो काफी लोगों के करियर को उठाते हुए अक्सर दिखाई दिए हैं। ये देखा गया है कि भाई सलमान खान ने बहुत सी एक्ट्रेस को लॉन्च भी किया है। अगर बात की जाए ऐश्वर्या की शक्ल की भी हूबहू जरीन खान को सलमान खान ले आए थे। डेजी शाह का भी अगर जिक्र किया जाए तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी बहुत हसीनाएं हैं जिन्हें सलमान खान का ब्रेक मिला ही है। कैटरीना कैफ की अगर बात की जाए तो वो भी उनमें से एक ही हैं। अब हाल ही में डेजी शाह ने सलमान खान को लेकर कई खुलासे किए हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सलमान को लेकर डेजी शाह क्या कुछ कहती दिखाई दी। हालांकि डेजी जो है सलमान के साथ कई फिल्मों में दिखाई पड़ चुकी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा गया है कि डेजी और सलमान का जो रिश्ता है वो भी जो है सुर्खियों का कारण अक्सर ही बनता आया। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ था डेजी शाह का कहना। दरअसल डेजी का कहना है कि मेरे लाइफ के कई टर्निंग पॉइंट रहे हैं। अगर मैं स्कूल में ब्यूटी पेजेंट में भाग नहीं लेती तो एक्ट्रेस नहीं बनती, एक्ट्रेस नहीं बनती तो डांसर नहीं बनती, डांसर नहीं बनती तो असिस्टेंट कोरियोग्राफर नहीं बन पाती, और अगर असिस्टेंट कोरियोग्राफर नहीं बन पाती तो मॉडलिंग नहीं करती और ना ही फिल्मों में आती। हाँ, अभी तक मुझे ABC जैसी कोई फिल्म नहीं मिली है जिसमें मुझे अपने डांसिंग स्किल दिखाने का मौका मिले, लेकिन मैं इसे लेकर कोई शिकायत नहीं कर रही। मेरे पास जैसे मौके आ रहे हैं बस उन्हीं में से बेस्ट चुनने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहना था एक्ट्रेस डेजी शाह का। आपको जानकारी दे दे कि डेजी शाह जो है बुधवार को वो राजस्थान में थी। बातचीत में उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की। पहली अपनी कमाई का भी जिक्र किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरी पहली कमाई 800 रुपया थी, मैं बस एक भीड़ का हिस्सा बनी थी। फिल्म इंडस्ट्री में पैन इंडिया के महत्व पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब एक फिल्म एक साथ विभिन्न भाषाओं में रिलीज हो रही है। पहले साउथ की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक होती थी या बॉलीवुड की फिल्में वहाँ रीमेक होती थी, लेकिन अब वही फिल्म सभी भाषा के लोग देख सकते हैं तो इससे फिल्म की अप्रोच बढ़ती है, एक फिल्म को बड़ी ऑडियंस मिलती है। बॉलीवुड स्टार्स भी अब साउथ में भी पहचाने जाने लगे हैं और वो के वहाँ के स्टार्स हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर डेजी ने बताया कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनके लिए मैं अपनी एक्टिविस्ट या इवेंट की फ़ोटो शेयर करती हूँ, हालांकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखती हूँ।
मेरा ऐसा मानना है कि आप जितनी अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कमेंट करने का उतना ही मौका देते हैं। अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में डेजी ने कहा कि बड़ी स्क्रीन के बाद मैंने पहली बार OTT के क्षेत्र में कदम रखा है। मेरे प्रोजेक्ट द होस्ट ऑफ गांधी की शूटिंग फिलहाल चल रही है, जल्द ही उसे रिलीज किया जाएगा। बस अभी फाइनल करना है कि इस रिलीज के रूप में रिलीज करें या फिर नहीं, यानी कि उसे सीरीज के रूप में रिलीज किया जाए या फिर नहीं। आपको जानकारी दे दें कि डेजी शाह ने यह भी बताया कि अगर सलमान खान मुझे सही तरह से गाइड नहीं करते तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। सलमान के साथ मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। सलमान खान हमेशा मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, और सलमान का ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो उसमें अपना रोल नहीं काम कर लेना चाहिए, तभी आप दर्शकों तक पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि भाई डेजी शाह जो है अपना काफ़ी अच्छा बॉन्ड वो सलमान खान के साथ जो है शेयर करती हैं, और कहीं ना कहीं सलमान खान भी जो है डेजी को लेकर कई बारी फिल्मों में भी जो है उनको आगे लेकर आ चले हैं। अब खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार सलमान का साथ जिस हिसाब से डेजी का छूटा है, अभी सलमान खान डेजी के साथ कोई फिल्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर डेजी की बात की जाए तो वो भी OTT ही प्लेटफॉर्म पर जो है अभी उनकी नई सीरीज़ आने वाली है, तो दर्शकों के बीच में ये सीरीज़ कितनी अपनी जगह को बना पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर सलमान की जम के तारीफ जो है डेजी शाह यहाँ पर करती दिखी है, और उनका यही मानना है कि अगर सलमान खान उनको अच्छी सीख नहीं देते और अगर उन्हें समझाते नहीं तो शायद वो आज यहाँ ना होती। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास पेशकश में कि आखिरकार डेजी का क्या कुछ कहना था सलमान खान को लेकर, किन बातों का जिक्र यहाँ पर डेजी ने किया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सलमान ने उन्हें कुछ ऐसी सीख दी थी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने को लेकर जो उनके बहुत ही काम आई। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने स्ट्रगल के बारे में भी बताती दिखी। आखिरकार कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है कि एक्टिंग प्रोफेशन जो होता है वो जो खानदानी होते हैं उन्हीं का ही जो है ये एक प्रोफेशन होता है, मगर जो लोग बाय चांस इस प्रोफेशन में आ जाते हैं तो उनकी जर्नी बहुत ही एक अलग और दिलचस्प रहती है। अगर डेजी शाह की बात करें तो उन्होंने बताया कि अगर वो कॉलेज के दिनों में उस इवेंट में पार्ट ना लेती तो इन सब चीज़ों में वो ऐसे इन्वॉल्व हो ही नहीं पाती। तब जाके डेजी को इंटरेस्ट भी आया और वो इस जाके जो है इंटरेस्ट आने के बाद इस इंडस्ट्री में भी आ पाई। तो सलमान की खूब तारीफें करती दिखाई दी हैं डेजी शाह, जहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एक जो दोस्ती का बॉन्ड है वो बेहद ही खूबसूरत है वो दिखाई भी पड़ा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं चली, मगर आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।